हेलो एवरीवन, आज अपन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु के विचारों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में मनुस्मृति में जो परराष्ट्र संबंधों के ऊपर चर्चा की गई है उसके ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। परराष्ट्र नीति, देखिए, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के साथ या एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए और अपने संबंधों के निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका उल्लेख अपने को मनुस्मृति में मिलता है। आज यदि अपन वर्तमान संदर्भ में बात करें तो देखते हैं कि किसी देश की जो विदेश नीति है वो कैसे संचालित होती है। विदेश नीति का निर्माण करते समय या अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध जो है आर्थिक सांस्कृतिक संबंध बनाने चाहिए, तो इसका मनुस्मृति में मनु के द्वारा भी वर्णन किया गया, उसी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। पर राष्ट्र नीति जिसको वह कहकर संबोधित करता है, यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएं। मनुस्मृति में पर राष्ट्र नीति के दो भाग बताए गए, दो पक्ष बताए गए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। सबसे पहले अपन पर राष्ट्र नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है कि वास्तव में एक राजा को कैसे अपने संबंधों का संचालन करना चाहिए, अपनी विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। परराष्ट्र नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके दो मुख्य तत्व है, एक है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षड्गुणी नीति। सबसे पहले अपन देखते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत, देखिए, मंडल सिद्धांत का जो मूल आधार है वो ये है कि एक सफल जो शासक होता है या अब एक सफल जो राजा होता है उसको सदैव शत्रुओं की संख्या कम रखनी चाहिए और मित्रों की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए। मंडल सिद्धांत में मुख्यतः कि अंतर्राज्य जो संबंध है उनका संचालन किस तरीके से किया जाए, इसके लिए राज्यों का वर्गीकरण के ऊपर ये बल देता है ये सिद्धांत, या इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। मनु ने, देखिए, ये जो मंडल सिद्धांत है या राज्य मंडल का जो राज, एक तरीके से अपन इसको राष्ट्रमंडल कह सकते हैं, तो इसका सदस्य या किस तरीके से ये बनेगा, जो विजुक्षु राजा होता है उसको केंद्र माना, विजुक्षु राजा यानी विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक, तो उसको विजुक्षु राजा माना गया और अन्य जो राज्य हैं उनकी गणना इस विजुक्षु राजा के संदर्भ में की गई। चार प्रकार के जो राज्य हैं वो माने गए राष्ट्रमंडल में, मित्र है, शत्रु, उदासीन एवं मध्यम। यानी मंडल सिद्धांत में का जो केंद्रस्थ है या केंद्र है वो माना गया विजुक्षु राजा को और इस विजुक्षु राजा के अनुसार ही अन्य जो श्रेणियां हैं, अन्य राज्यों की श्रेणियां, वो निर्धारित की गई और उसके लिए राष्ट्रमंडल में चार प्रकार के राज्य माने गए, वो अपन देखते हैं, मित्र है, शत्रु, उदासीन एवं मध्यम। अब देखिए ये कौन कौन से राज्य होते हैं। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती है, एक दूसरे के टच करती है, एक दूसरे से मिली हुई है, उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, सीमा को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, आवाजाही को लेकर क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो जिनकी सीमाएं परस्पर मिलती है वो क्या हो गए, शत्रु राज्य। शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य होगा, यानी शत्रु राज्य से जिस राज्य की सीमा मिली हुई होगी, वो जो विजुक्षु राजा है या विजुक्षु राज्य, उसका क्या माना जाएगा, मित्र माना जाएगा। तो इस प्रकार शत्रु राज्य से जिसकी सीमा मिलती है वो राज्य क्या हो गया, मित्र राज्य हो गया, और जिन राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती है वो क्या हो गए, शत्रु राज्य हो गए। लेकिन जिस राज्य की सीमा न शत्रु से मिलती है और नई मित्र राज्य से मिलती है, तो वो राज्य कौन सा होगा, उसको मनु ने मध्यम का नाम दिया है। यानी जिसकी नए शत्रु राज्य से मिलती है और नई मित्र राज्य से, तो उसकी सीमाएं नहीं मिलने के कारण उसको किसका नाम दिया है, मध्यम का। और इन तीनों से भिन्न, वह न शत्रु राज्य है, न मित्र राज्य है और न ही मध्यम राज्य है, जो न तो जिसकी सीमाएं मिलती है और न ही इन राज्यों से वो किसी प्रकार का ज़्यादा संबंध रखता है, तो इन भिन्न राज्यों से जो राज्य है उसको मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। यानी तो ये जो चार राज्य हैं, मित्र, शत्रु, उदासीन एवं मध्यम, ये जो राष्ट्रमंडल मनुस्मृति में जो राष्ट्रमंडल प्रतिपादित किया गया या राष्ट्रमंडल के बारे में जो चर्चा की गई उसमें राष्ट्रों की, सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या है वो कितनी मानी गई है, 12 मानी गई है। 12 में देखिए, जो विजुक्षु राजा होगा उसके अग्रभाग का जो सीमावर्ती राज्य है वो क्या माना जाएगा, शत्रु राज्य। क्यों? क्योंकि उसकी जो सीमा है वो विजुक्षु राज्य से मिल रही है। तो जैसा कि अपन ने देखा कि जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती है, मिलती है, वो क्या हो गया, शत्रु। तो उसके बाद का जो राज्य है वो मित्र राज्य, उसके बाद का जो राज्य है वो क्या होगा, अरिमित्र, और उसके बाद वाला जो राज्य है वो क्या माना गया, अरिमित्र मित्र माने गए। यानी इसी प्रकार अपन देखते हैं ये अग्रभाग के थे, इसी प्रकार जो विजुक्षु राजा का
सीमावर्ती राज्य है पृष्ठ भाग का पीछे का, तो वो भी उसको जो नाम दिया गया वो था पार्शियन ग्रह है माना गया, और उसके बाद का जो राज्य है वो आक्रांत, और उसके बाद का पार्शियन ग्रह सार और उसके बाद आक्रांत सार माने गए। तो इस प्रकार ये जो राज्यों की संख्या है, और इसके अलावा मध्यम और जो उदासीन राज्य हैं उनकी उनको भी राष्ट्रमंडल का सदस्य माना गया। तो यानी जो आगे के राज्य हैं वहाँ पर भी अरि शत्रु और अरि मित्र मित्र, और जो पीछे के पृष्ठ भाग के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको पार्शियन ग्रह है, और उसके बाद जो मित्र राज्य है उसको आक्रांत नाम दिया गया, फिर वापस से पार्शियन ग्रह सार ये शत्रु राज्य है और आक्रांत सार ये क्या है मित्र राज्य माना गया। तो आक्रांत सार मित्र प्रकृति के हैं और जो पार्शियन ग्रह सार और पार्शियन ग्रह है वो शत्रु प्रकृति के माने गए। मनुस्मृति में ये जो प्रत्येक राज्य है इनकी 5 द्रव्य प्रकृतियाँ बताई गई कि इनकी जो वास्तव में इनके पास में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिससे राष्ट्रमंडल का निर्माण होता है। तो अमात्य है राष्ट्र, दुर्ग अर्थ और दंड, दंड का अर्थ यहाँ पर क्या है सेना से है। तो इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्यों की कुछ संख्या कितनी मानी गई है 12 मानी गई। मनु ने ये कहा कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य की रक्षा और हित संवर्धन के लिए राष्ट्रमंडल में शत्रु और मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में क्या बनाए रखे, उचित अनुपात बनाए रखे। तो इस तरीके से विजुक्षु राजा सहित और जो एक स्वयं अन्य राजा है उसके सहित कुल जो राज्य है वो संख्या कितनी हो गई है 12 सदस्य इस राष्ट्रमंडल के हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं षाडगुण्य नीति। षाडगुण्य नीति देखिए क्या है कि किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति, एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार की नीति का प्रयोग करेगा या किस प्रकार के संबंधों का निर्माण करेगा और कैसे करेगा वो विवेक सम्मत तरीके से, तो उसके लिए मनुस्मृति में ये 6 गुणों का विवेचन किया गया कि इनका प्रयोग करके अपन दूसरे राज्यों के साथ वैदेशिक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें मनु ने ये भी ये जो 6 नीति बताई गई जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और संश्रय, इसके बारे में मनु ने राजा को ये परामर्श भी दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थितियों के अनुसार वो किसी भी एक विकल्प का क्या कर सकता है चयन कर सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं संधि। तो संधि में देखिए कि राजा क्या करेगा कि या तो उसको जिस राज्य से वो क्या करना चाह रहा है मेल करना चाह रहा है या संधि करना चाह रहा है वो 2 कारणों से कर सकता है। या तो उसको लगता है कि तात्कालिक रूप से उसको कोई ऐसा फ़ायदा है या लाभ है उस राष्ट्र से, या फिर भविष्य में उसको उस राष्ट्र से किसी प्रकार का क्या हो सकता है लाभ हो सकता है। तो राजा द्वारा तात्कालिक या भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से जो मेल कर लेना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर संधि का नाम उसने दिया। मनु ने यहाँ तक कहा कि भविष्य में भी किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो ऐसी संधि भी राजा को दूसरे राष्ट्र से कर लेनी चाहिए। फिर दूसरा आता है विग्रह। देखिए विग्रह क्या होता है, राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने या फिर उसे पीड़ित करने की इच्छा से या धमकाने की इच्छा से उसके ऊपर किया गया सशस्त्र आक्रमण क्या कहलाता है विजय, ये विग्रह कहलाता है कि राजा या तो फिर उस दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है या फिर उसको सजा देना या पीड़ित करना चाहता है, इसलिए उसने उसके ऊपर क्या कर दिया आक्रमण, और ये क्या कहलाएगा विग्रह कहलाएगा। देखिए विग्रह एक तरीके से क्या हो गया, दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण हो गया है। तो यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियाँ पता करके यदि आक्रमण किया गया है तो ये विग्रह का प्रथम भेद, 2 प्रकार इसमें मनुस्मृति में विग्रह के बताए गए। और यदि किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में या अपने मित्र राज्य की सहायता के लिए वह विग्रह का सहारा लेता है तो वह उसका क्या कहलाता है द्वितीय भेद। यहाँ मनु राजा को यह भी कहता है कि ये जो आक्रमण की नीति है या विग्रह की नीति है तभी अपनाई जानी चाहिए जब राज्य के लिए सभी प्रकृतियाँ क्या हो अनुकूल हो, परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हो। विपरीत परिस्थितियों में जैसे राजा के पास धन नहीं है, कोष की व्यवस्था नहीं है, तो फिर ऐसा कार्य राजा को नहीं करना चाहिए। यान तीसरा जो षाडगुण्य नीति का तत्व है गुण है वो है यान। ये भी देखिए एक तरीके से विजय की इच्छा से और शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से भी हो सकता है, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया जो आक्रमण है वो क्या कहलाएगा यान। ये देखिए विग्रह से थोड़ा इस प्रकार अलग है कि यहाँ जो समर्थ राज्य होगा यानी सक्षम जो राज्य होगा वो शत्रु को किसी आपत्ति में देखकर उसके ऊपर क्या करेगा आक्रमण करता है, तो ये प्रथम यान होता है। और यदि राजा
जो आक्रमण करना चाह रहा है वो स्वयं तो क्या नहीं है समर्थ नहीं, और मित्र की सहायता लेकर दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तो ये ज्ञान का दूसरा प्रकार कहलाएगा। फिर आता है आसन, चौथा जो है सार्वगुणी नीति का गुण, वो आसन। यहाँ पर देखिए राजा द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा और वह एक तरीके से उपेक्षा धारण कर लेगा कि जिस प्रकार ऐसे देखना कि जो होगा वो देखा जाएगा, कि युद्ध की प्रतीक्षा करना क्या कहलाएगा, आसन कहलाता है। ये किस स्थिति में कर सकता है कोई राजा, या तो उसके पास सेना नहीं है या फिर धन की कमी है, और या फिर उसके मित्र ने ऐसा कोई अनुरोध किया है मित्र राज्य ने, तो मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना भी एक तरीके से क्या है, आसन है। फिर आता है द्वेधी भाव, ये देखिए एक तरीके से शत्रु को कमज़ोर करने की नीति है। इसमें मनु ने लिखा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर कहीं और रहता है, स्वयं कहीं और रहता है, तो ये नीति क्या कहलाती है, द्वेधी भाव कहलाती है। एक तरीके से यानी वह शत्रु को स्वयं से क्या अधिक शक्तिशाली समझे, या फिर उसको लगे कि उसके अपन इस तरीके से उसको बहला सकते हैं या इस तरीके की उसका ध्यान बांट सकते हैं, तो वह अपनी सेना को क्या कर सकता है, दो भागों में बांट सकता है। तो सेनापति के अधीन सेना का जो कुछ भाग है वो शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करे, और बाकी सेना क्या करेगी, राजा के साथ सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों की सहायता से वो शक्ति का संचय करेंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तब उसके ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। परराष्ट्र नीति में षाड़गुण नीति का जो अंतिम 6 नंबर का गुण है वो है संश्रय। ये होता है किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना, एक तरीके से आश्रय लेना, ये क्या कहलाएगा, संश्रय। यहाँ मनु ये कहता है कि यदि द्वेधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं होते तो फिर राजा को क्या लेना चाहिए, संश्रय का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक विवेचन किया। उसके बाद में अपन देखते हैं परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक स्वरूप, कि दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार में किस प्रकार संबंध बनाए जाएं। सबसे पहले मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो है दूत व्यवस्था के बारे में। दूत व्यवस्था को परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना गया। मनुस्मृति में यहाँ तक कहा गया है कि राज्य, एक राज्य के संबंध दूसरे राज्य से मैत्रीपूर्ण होते हैं या फिर अमैत्रीपूर्ण होते हैं, शत्रुतापूर्ण होते हैं, उसका मूल आधार दूत ही होते हैं। मनु ने यहाँ तक लिखा है कि जो दूत होता है वो इस शत्रु से मेल करवा सकता है या फिर संधि करवा सकता है, मिले हुए शत्रु से विग्रह, और या फिर वो उन बीच में शत्रुता भी करवा सकता है। अब देखिए दूतों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मनु ने जो शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान रखते हो, यहाँ पर देखिए जैसे वो वचन वगैरह है, स्वर, किसी भी प्रकार का चेष्टा से या आकार से उनमें जानने की क्या हो, क्षमता हो, शुद्ध उनका हृदय हो, चातुर्य हो, मद्यपान से रहित होना, ये कुछ गुण दूत के लिए मनु ने आवश्यक बताए। इसके अलावा तीव्र स्मरण शक्ति होनी चाहिए, देश व काल के अनुरूप निर्भय होना चाहिए, जिसको डर नहीं लगे, वाक्पटु यानी बोलने में वह क्या होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। ऐसे दूत को मनु ने श्रेष्ठ दूत के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद अपन देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। दूसरे राज्यों के साथ संबंधों में गुप्तचर व्यवस्था का होना भी मनु ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, कि यदि दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलताओं या उस राज्य की कैसी स्थिति है, उन कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके राजा तक पहुँचाने का जो कार्य है वो कौन करते हैं, गुप्तचर ही करते हैं। और ये दूसरे राज्य गुप्तचरों का भी क्या लगाएंगे, पता, और उनके बारे में राजा को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। यहाँ अपन देखते हैं कि मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए। पहला उसने बताया था कापाटिक, ये वो होते हैं जो कपट व्यवहार से गुप्तचर का काम करते हैं, वो कापाटिक गुप्तचर कहलाते हैं। दूसरे होते हैं उदास्थित, ये ऐसे होते हैं जो संन्यास धर्म से पतित हो गए हो और एक तरीके से बुद्धिमान है, शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, लेकिन जीविका के इच्छुक है, इसलिए वो संन्यास धर्म नहीं धारण करना चाहते, तो ऐसे जो व्यक्ति गुप्तचर बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, उदास्थित। फिर आते हैं ग्रहपति। ग्रहपति गुप्तचर जो जीविका से रहित और किसान के रूप में रहने वाले व्यक्ति को, लेकिन वो कृषि कार्य नहीं कर रहा बल्कि उसके स्थान पर क्या करना चाहता है, गुप्तचर का कार्य करना चाहता है। फिर व्यापारी, चौथा जो गुप्तचर बताया वो बताया है व्यापारी। तो व्यापारी के रूप में रहने वाले जो जीविका रहित व्यक्ति होते हैं वो भी व्यापारी गुप्तचर माने गए। तापस एक अन्य 5वां प्रकार मनुस्मृति में बताया गया कि तपस्वी के वेश में रहते हुए सन्यासी बनकर
जैसे लोगों को आभास नहीं हो, तो इस रूप में जो गुप्तचरी करता है, गुप्तचर का कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा? तापस गुप्तचर कहलाएगा। अब अपन देखते हैं युद्ध का औचित्य, कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मनुस्मृति में युद्ध को एक तरीके से अंतिम स्थान दिया गया है विकल्प के रूप में, कि जब राजा के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचे, जैसे वो संधि भी कर लिया, किसी भी तरीके से वो आश्रय भी लिया, द्वेदी भाव जो भी है, तो युद्ध को उसने अंतिम विकल्प के रूप में स्थान दिया है। और इसके अलावा मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि परिस्थितियों अनुकूल होने पर ही शासक को दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण का परामर्श दिया है, कि जैसे राजा के पास सेना भी होनी चाहिए, कोष की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और शत्रु राज्य भी क्या होना चाहिए? कमज़ोर होना चाहिए, तभी उसको आक्रमण करना चाहिए। इसके लिए मनु ने तीन चार जो उपाय बताए थे, साम दाम दंड और भेद, उसमें मनु ने यही कहा था कि युद्ध जो है, ये तीनों उपाय साम दाम भेद यदि विफल हो जाते हैं तो युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए। युद्ध के प्रकार देखिए, दो प्रकार के मनुस्मृति में दो प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया, एक है धर्म युद्ध और दूसरा है कूट युद्ध। धर्म युद्ध क्या होते हैं? जब शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आक्रमण आमंत्रित किया गया हो और उस युद्ध में समस्त जो नैतिक नियम है, युद्ध के जो नियम है, उनका यदि पालन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? धर्म युद्ध। जैसे सोए व्यक्ति को नहीं मारना, या किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना है, ऐसे निकों से युद्ध नहीं किया जाए, शरणागत जो योद्धा होते हैं, शरण मांग ली है जिन्होंने, उनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाए, ऐसा करते हुए यदि कोई युद्ध किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? धर्म युद्ध। और दूसरा है कूट युद्ध। तो जिन युद्धों में युद्ध के जो नैतिक नियम है उनकी अवहेलना की जाती है और येन केन प्रकारेण युद्ध जीतने की कोशिश की जाती है, उन युद्धों को मनु ने किस श्रेणी में रखा है? कूट युद्ध की श्रेणी में रखा है। जैसे शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डालना, या फिर उसके जो नहरे हैं, जो भी रसद की सामग्री है उनको नष्ट करना, नगर का जो परकोटा है उसको नष्ट करना, ये सब किस श्रेणी में आएगा? कूट युद्ध की श्रेणी में आएगा। फिर देखिए, मनु ने युद्ध के कुछ नियम भी बताए कि युद्ध में नैतिक नियमों का पालन अत्यधिक जोर दिया है मनु ने, कि इन नैतिक नियमों का पालन जो है वो करना ही चाहिए। जैसे कूट शस्त्र जो होते हैं, विष से बुझाए गए शस्त्र, अग्नि, ये वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, मनु ये कहता है कि जो शरणागत शत्रु होता है, यानी जिस शत्रु ने आके शरण मांग ली थी, तो उसके ऊपर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति या जिसके पास शस्त्र नहीं है, जो शस्त्र रहित है या युद्ध में भाग नहीं ले रहे जो व्यक्ति है, उनके ऊपर भी प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनु ये भी कहता है कि युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया जो धन होता है वो उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर दिया जाना चाहिए जिन योद्धाओं ने जीता है। इसके अलावा युद्ध के अंदर जितना भी धन राजा द्वारा जीता गया है, उस जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखिए आगे मनु कहता है कि विजित राष्ट्र के प्रति वैद्यता का क्या है व्यवहार, कैसा हो कि वह एक जो राष्ट्र जीत गया है वह दूसरे हारे हुए राष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार करेगा। यदि अपन धन की बात करें तो यहाँ मनुस्मृति में लिखा गया है कि कम मूल्य के जो सामान होते हैं वो युद्ध में यदि जीत कर लाने वाले योद्धा को ही दे देने चाहिए, और केवल जो बहुमूल्य सामान, कीमती सोना, चांदी, भूमि, ये राजा द्वारा ग्रहण करना चाहिए, और उनका भी यथा समय सैनिकों के मध्य पुरुषार्थ के आधार पर वितरण कर देना चाहिए। विजित राष्ट्र जो है उस पर यदि राजा अपना स्थायी शासन रखना चाहता है तो वहाँ के व्यक्तियों के प्रति, जो जिस राजा ने विजय प्राप्त की है, उसको उदारता और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे जो वहाँ के साथ नागरिक है वो उसके कार्यों में, शासन कार्यों में क्या करें? सहयोग करें। तो इस प्रकार विजित राज्य के प्रशासन के लिए भी राज्य के प्रमुख, जो उस राज्य के व्यक्ति, उनकी इच्छा जानकर कि किसी व्यक्ति को राजा का पद है वो दे दिया जाना चाहिए, और कुछ शर्तों का निर्धारण कर लेना चाहिए, एक तरीके से संधि की, आप इस तरीके से हमारे साथ संबंधों का निर्माण करेंगे या इस तरीके से अपने वैदेशिक संबंधों का पालन करेंगे। ये मनुस्मृति में राजा को परामर्श दिया गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि राजा जो है वो विजित राष्ट्र के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, और जो नव नियुक्त राजा है उसको एक तरीके से रत्नाभूषण देकर सम्मानित किया जाएगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है,
और विजित राष्ट्र के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, और एक तरीके से युद्ध को अंतिम विकल्प का रूप देकर मनुस्मृति में युद्ध की क्या की गई है, अवहेलना की गई है। धन्यवाद।